हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी क्विज के बारे में। ये जो सेफ्टी क्विज है ये होने वाली है नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर। तो इसमें नेशनल सेफ्टी डे के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं और उस क्वेश्चन के कुछ मल्टीपल आंसर जो है आपको दिए रहेंगे, तो उसमें से सही जो आंसर है वो आपको बताना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो कब फाउंड हुई थी। तो उसके लिए ऑप्शन ए है 4 मार्च 1962, ऑप्शन बी है 4 मार्च 1967, ऑप्शन सी है 4 मार्च 1972 और ऑप्शन डी है 4 मार्च 1968। अब आपको कुछ देर का मैं आपको यहां पर टाइम दूंगा और आपको सोचना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए, आपने तो सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने कब ये डिक्लेयर किया कि नेशनल सेफ्टी डे जो है वो सेलिब्रेट करना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 4 मार्च 1962, ऑप्शन बी है 4 मार्च 1967, ऑप्शन सी है 4 मार्च 1972 और ऑप्शन डी है 4 मार्च 1968। अब आपको सोचना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 मार्च 1972। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पोज क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को रिमाइंड कराना कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनका कमिटमेंट क्या है सेफ्टी के प्रति। ऑप्शन बी है कि सेफ्टी का जो सस्टेनेबल कल्चर है उसको प्रमोट करना, नॉट ओनली इन हजार्डस इंडस्ट्रीज बट आल्सो ऐसी इंडस्ट्रीज जो किसी भी सेफ्टी लेजिस्लेशन में कवर नहीं होती है। ऑप्शन सी है कि सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस है उसके अवेयरनेस को रेज करना वो भी इंडस्ट्रीज में, और अवॉइड करना जो भी अनवांटेड इंसिडेंट है उनको, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया को किसने इस्टेब्लिश किया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑप्शन बी है होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल अफेयर्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये आपको सोचना है। तो आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो सोच ही लिया होगा कि क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया को रजिस्टर किया गया है वो भी किसके अंडर। तो इसके लिए ऑप्शन ए है द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ऑप्शन बी है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, ऑप्शन सी है बोथ 1 और 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है यह आपको सोचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यह आपने सोच ही लिया होगा, चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल लेवल पर नेशनल सेफ्टी काउंसिल की क्या एक्टिविटीज है यह आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है सेफ्टी मेजर्स के ऊपर सेमिनार्स या फिर पब्लिक फंक्शंस करना, ऑप्शन बी है ओवरऑल HSC इश्यूज को पब्लिशिंग करना, ऑप्शन सी है HSC स्टैटिस्टिक को पब्लिकेशन करना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है यह आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्टेट लेवल के ऊपर नेशनल सेफ्टी काउंसिल की क्या एक्टिविटीज है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइज करना डिफरेंट इवेंट्स को या फिर फंक्शंस को वो भी रीजनल लैंग्वेज में सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, ऑप्शन बी है सेफ्टी पोस्टर्स को पब्लिश करना और उनको सप्लाई करना रीजनल लैंग्वेज में, ऑप्शन सी है NSE डायरीज को रीजनल लैंग्वेज में पब्लिकेशंस करना जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस के ऊपर, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है।
तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर लेवल पर नेशनल सेफ्टी काउंसिल की क्या एक्टिविटीज़ है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है सेफ्टी प्लेस डिज़ाइन करना, डेवलप करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑप्शन बी है नेशनल सेफ्टी डे का जो फ्लैग है उसको फहराना। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइज करना सेफ्टी अवेयरनेस कॉम्पिटिशंस एंड एग्जीबिशंस। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल का विजन स्टेटमेंट क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है नेशनल लीडर होना हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट में। ऑप्शन बी है कि वर्क प्लेसेस को सेफर, हेल्दियर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उनको गाइडेंस और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, इसके लिए नेशनल लीडर बनना। ऑप्शन सी है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए तैयार करने के लिए क्वालिटी गाइडेंस और सर्विसेज को प्रोवाइड करना। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यह आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा कितनी जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कंडक्ट हुई है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी क्विज के बारे में जो हमने जाना है नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।